लग गया जो हाँ मेरा घर है बाजी देख लो दो फैमिली इस घर चलने हाँ जी छोटे से घर में दो अच्छा छोटा सा घर है ये कमरा भी देख लो मेरा आज 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 हाँ जी एक ही कमरा है चार बच्चे हैं एक आदमी है और हाँ यहाँ रहते हैं जी प्लास्टर वगैरह करवाया नहीं हुआ भाई पेट पूरा खा लिए या फिर प्लास्टर करा लिए इतने मजबूर हैं बच्चा ही बीमार रहता है आदमी भी बीमार है किसके लिए हालात ही कुछ ऐसे ने हाँ जी आ जाओ भाई अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम क्या हाल है जी ठीक ठाक है जी आ जाओ बैठो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु मोहतरम सामीन जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज इस भाई साहब के पास आए हैं इनसे बातचीत करते हैं और इनकी बात आपको सुनाते हैं। हाँ भाई क्या परेशानी क्या मसाइल आपके घर के बताएं तो सर जी आप मेहनत मजदूरी करें दी भाई मेहनत मजदूरी करते हैं हाँ जी कौन सा काम करते हैं पट्ठे पे जी अच्छा पट्ठे पे करी सर जी अच्छा दो महीने हो गए जी तुम्हें भी पता सर्दी है हाँ जी हाँ जी सर्दी किसने काम लगता है किसने नहीं लगता सर जी सर्दी में काम नहीं चलता रहा नहीं जी हाँ जी सर्दी च नहीं चलता रे अच्छा बस थोड़ा घना चलता सी जी हर शे साहब जी मुल जी है मान ले आटा हर शे नमक पानी जो भी मुल ले छोटे छोटे बच्चे ने सर जी अच्छा पट्ठे पे भी इतनी मेहनत नहीं बनती है वो भी सुबह जाइंदा शाम तकर मसा 400-500 रुपया 600 रुपया बनता है अच्छा हाँ जी बीमार रहता हूँ बीमार है आप हाँ जी क्या हुआ आपको मैं जी गुर्दे जी पत्थरी है गुर्दे में पत्थरी हाँ जी फिर उनका कोई चेक करवाया आपने हाँ जी टेस्ट कराए ने उन्होंने कहा गुर्दे जी पत्थरी है दे ऑपरेशन कराना पड़ेगा फिर ऑपरेशन जो के पैसे नहीं है पैसे नहीं है आपके पास हाँ जी अच्छा अच्छा तो थोड़ी घनी दवाई ले आते हैं उससे कोई चंद दिन को सुकून रहता है फिर दर्द शुरू हो जाता है दर्द की वजह नाल काम नहीं होता अच्छा दर्द शुरू हो जाता है हाँ जी आहो जी जाहर है वो पत्थरी अब जब तक है तो आपको मसला तो रहना है जी सर जी जो उन्होंने इलाज बताया है ऑपरेशन बताया तो ऑपरेशन करवाएंगे तो फिर ही ठीक होगा हाँ जी वरना तो ऐसे मसला रहना है जी छोटे छोटे बच्चे ने जी हाँ जी इलाज करवाने जो आप कमा रहे हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं जी तो बस फिर उसका घर का ही चलता निजाम कोई इतनी बचत नहीं होती कि आप अपना इलाज करवा सके नहीं सर जी छोटे छोटे बच्चे ने सर जी दूध वो भी मोल नहीं दे अच्छा आटा कनक हर शे मोल दी है जी बिजली का बिल वो दो महीने हो गए साढ़ा जो बिजली का बिल नहीं खरीद जाए जी अच्छा हाँ जी बहुत हालात खराब ने जी अल्लाह रहम करे आ घर है हमारा देख लो अच्छा ये घर आपका अपना ही है नहीं जी बड़े भाई का भी है अपनी जगह भी अपनी नहीं है सर जी अच्छा जगह ये अपनी नहीं है नहीं जी और सर जी किसी ने सानू जगह दी हुई है वैसे बैठने वास्ते अच्छा हाँ जी उन्होंने आखा तुसी बैठे रहो असी तुहानू उठांदे नहीं अच्छा अपना तुसी इत्थे बैठदे तुसी मेहनत मजदूरी कर लो मुल भी नहीं तुहानू देंदे अच्छा यानी ये जगह जो आपकी मलकियत नहीं है नहीं जी मलकियत किसी ने दिया है बैठने के लिए कि आप बैठ जाए अगर हाँ जी तो बैठे रहे आप जी ठीक है हाँ जी अच्छा अच्छा आपकी अपनी नहीं है ये अपनी नहीं है जी हाँ जी तो जगह भी ये थोड़ी सी है तो यहाँ पे दो घर रहते हैं दूसरा कौन रहता है आपके साथ मेरा बड़ा भाई अच्छा आपका एक भाई है और एक आप हाँ जी सही है हाँ जी एक कमरा साढ़ा दे एक भाई दा एक साढ़ा है जी
अच्छा अच्छा दो कमरे, एक कमरा आपका है? हाँ जी। उनका है? हाँ जी उसका। थोड़ा सा सेन आपका? हाँ जी। बाजी आपके कितने बच्चे हैं? बाजी चार बच्चे ने छोटे छोटे। अच्छा, ये सबसे छोटा है? हाँ जी, ये सबसे छोटा है। हाँ जी, बाजी बुखार पूरा साल हो गया जो पैदा है, बीमार है, इलाज नहीं हो सकता साढ़े तो छाती रोज जम हो जाती है, दवाइया लगे रहने। हाँ जी, कोई डॉक्टर वगैरह को चेक नहीं करवाया? नहीं, डॉक्टर नहीं, सरकारी जो बस लिया दवाई लिख देने वो ले नहीं जाती साढ़े तो। दूध लिया ही नहीं जाता जी, जरा प्यार ही असि मुल लैके इतनी महंगाई है। हाँ जी, हर चीज तो मुल दी है, मेहनत करने काम करनी है। हाँ जी, लिखाई नहीं ले जाता। हाँ जी, सर्दी में काम करती हो तो? हाँ जी, ये बीमार हो जाता है? यही बीमार हो जाता है बाजी, इन्हें दबू ही बीमार रहता है। हाँ जी, मजबूरी तो करनी है। हाँ जी, तो फिर और नहीं आपको सिलाई वगैरह? नहीं बाजी, नहीं नहीं वो नहीं आंदी बाजी, बस जाके करती हूं। हाँ जी, काम करते हैं, वो भी मेहनत नहीं पूरी देते, महीने का 3,000 वो किस उसका क्या करे, आटा भी मुलदा, घी भी मुलदा। हाँ जी, हर चीज मुलदी, तो फिर केड़ी केड़ी शायद पूरी करी, या दवाइयां ले ली या फिर पेट पूरा कर ली। हाँ जी, तो बच्चे भाई आपके स्कूल पढ़ते हैं? हाँ जी, 3 जाते हैं। ये 3 पढ़ते हैं? हाँ जी, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰਮ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲਏਗੀ, ਨਾ ਬੱਸੇ ਵੀ ਕੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਨਸਲਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਪੜੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀ। ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਹਤੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲੈ ਆਓ? ਹਾਂ ਜੀ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਈਏ ਪੈਨਸਲਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮਸਲਾ ਹੈ ਆਪਕੇ ਲਈ? ਹਾਂ ਬਸ ਬਾਜੀ, ਆ ਕੋਈ ਕਦੇ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਯਾਰ, ਸਾਹ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਤੇ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਬਸ ਕਦੇ ਲੈ ਆਈਂਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੀਂਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਗੋਲੀ ਲੈ ਰਹੀ ਨੀ ਦਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਬਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟਾ ਅੱਗ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ, ਪੂਰਾ ਭੁੱਖਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਂਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਪਿਲਾਇਆ ਕਰੇ ਨਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਕੇ, ਦੁੱਧ 150 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੈ ਬਾਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ ਇਤਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਦੁੱਧ? ਚਾਹ ਵੀ ਨੀ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਹਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਜੋਗਾ ਹੀ ਲੈ ਆਈਏ ਦੁੱਧ। ਤੋ ਬਾਜੀ, ਬਸ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਵੋ ਕਹਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਤਾ ਹੂੰ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਬਸ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਈ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੋ ਬਸ ਵਸੈਲ ਨਹੀਂ ਆਪ ਕੇ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏ, ਆਪ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏ। ਬਾਈ, ਇਤਨਾ ਵਸੈਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਰਵੇ ਆ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰੀਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਬਸ। ਉਹ ਮਸਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਚੱਲਦਾ, ਇਸ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਲੇ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਟਾ ਫਿਰ ਆਪ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਾਤੇ ਆ? ਬਸ ਲੈ ਆਈ ਨਾ, ਮੁੱਲ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ, ਕਦੇ ਲੈ ਆਈ ਨਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਕਾ ਲਈ ਨਾ। ਓਹੋ, ਮਸਲਾ ਕੱਪਕੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਆ ਘਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸਾਡਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅੰਦਰ ਇਤਨੇ ਚੂਹੇ ਹੋਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਕਰ ਛੜੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਚਾ ਹੈ ਥੱਲੋਂ। ਫਰਸ਼ ਲਗਾਣੇ ਕੀ ਫਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆਪ ਬਾਈ? ਪੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਰਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਈਏ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਦੇ ਆ ਵੇਹਾਂਦੇ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਗੋਡੇ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਲਵਾ ਲਈ। ਹਾਂ, ਕਿਹਾ ਥਾ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਈ, ਤੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਆਈ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਘਰੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ 2-2 ਮਹੀਨੇ, ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਹੀ ਏ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰਥਰੀ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਚ, ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾ ਸ਼ੋਹਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਫਿਰ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮਜਬੂਰੀ ਸੇ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਖੀ ਰਾਸ਼ਨ, ਬਸ ਸਵੇਰ ਦੀ ਖਾਲੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੀਕਰ ਭੁੱਖੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਆਪਕਾ। ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਇਹ ਤੋ ਬੜੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਨਕੋ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੋ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਕੀ ਗਰੋਥ ਸਹੀ ਹੋ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤੇ ਇਨਕੇ ਲਈ ਆਪ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਬਈ, ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਜੀ ਆਪਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੀ ਨੇ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਬਾਪ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਚਲੋ,
ना कोई टीका ना कोई दारू कुछ भी नहीं जी, बहुत हालात खराब ने। तो अच्छा फिर बाजी अगर आपको कुछ पैसे दे जी तो फिर कोई हालात बेहतर हो जाएंगे आपके? भाई हो जाएंगे, चलो आटा तो मिलेगा, सौदा मिल जाएगा, सौदा ले आवांगे आटा। नहीं राशन भी देंगे आपको जी, हालात फिर भाई ठीक हो जाएंगे, चलो कोई दवाई दवाई ले लवांगे असि, हां बच्चों को, हां बच्चों के दूध ले आवांगे भाई, पैसे की भी बहुत जरूरत है, राशन की भी, राशन दोगे तो बच्चों को पका के खवावांगे, पैसे दोगे तो वेखी भी असि इलाज करवा लांगे। अच्छा हां जी, बच्चों को कोई पेंसिलां वगैरह या बस्ते वगैरह ले दांगे, शूज। सही हां जी, चलो ठीक है जी, आपकी बात सुनी है जी, आपको पैसों की जरूरत है जी, वो भी आपको देते हैं अल्लाह ताला की तौफीक से, और राशन लाए हैं आपके लिए जी, राशन भी आपको देंगे जी, ठीक है जी जी। तो उससे आपने अपने घर का निजाम चलाना है जी, बच्चों को खाना बना कर देना है जी, ठीक है, जहाँ जहाँ जरूरत है आपने वहाँ इनको इस्तेमाल करना, ठीक हो गया, ठीक है जी जी। हाँ जी, हाँ तो बाजी ये ना, हाँ जी, ये अल्लाह ताला ने आपका सबब बनाया है जी, और अल्लाह ताला के नेक बंदों की तरफ से ना ये आप जैसे लोगों के लिए है, आप बहुत परेशान है, हाँ जी, ठीक है, तो अब आपकी इंशाल्लाह परेशानी दूर होनी चाहिए। तो भाई भाई बच्चे का दूध लेके आनी है सुबह, तो बच्चे भूखे ने ना रोटी खाना बना के देनी है, हाँ जी सही है जी, लाए इसलिए दे रहे हैं, आपने ये बच्चों पे लगाने हैं, इनकी जरूरत पूरी करनी है, दूध लेके आने हैं, हाँ जी, कैसे रो रहा था, अल्लाह ने सबब बनाता बाजी, चलो शुक्र होया। तो इसके साथ ना आपको राशन भी देते हैं जी, जी ये बाजी ना, हाँ जी, ये रखे इसमें राशन है जी, जी इसमें दालें घी चीनी और चीजें भी जो है इस्तेमाल वाली, ठीक है, ठीक है ये आपने इस्तेमाल करनी है जी। हाँ पहले तो भाई बच्चे को दूध लेके आनी है, फिर बच्चे को रोटी पका के देनी है, बना के खाना, फिर इन्हां दी दवाई लेके आनी है बच्चों दी, मैं मेहरबानी भाई, शुक्रिया आपका भी। नहीं नहीं सही है, आप कह रहे हैं सुबह से बच्चे भूखे हैं, हाँ जी, आप इनको खाना बना कर देना है जी, इनको आपने खाना बना कर देना है जी, जी भाई ठीक है, बच्चों को भूखे नहीं रखना, छोटे छोटे बच्चे मासूम से आपने आपके, तो इनको खाना दे बना के, जी भाई खाना बना के देने हैं, पहले इन्होंने बच्चों खाना बना के खिलाने हैं, फिर दूध लेके आने हैं, बच्चा रोई जांदा सुबह दा, सही रो रहा छोटा सा बच्चा, हाँ जी, हाँ जी। फिर इन्होंने दवाई लेके आने हैं शहर जाके जी, जी जी जिथों भी मिली, तो मेहरबानी हाँ भाई, शुक्रिया आपका भी, और जिन भाइयों ने भेजे हैं उनका भी शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र अदा कर, और अल्लाह का शुक्रिया जिसने हमारा सबब बनाया इतना, हाँ जी जी जी, अल्लाह उसी कामों में और घरों में बरकत पाए, और आमीन जी, आमीन देवे उन्होंने दे, हाँ जी, उन बहन भाइयों को आपने जरूर याद रखना अपनी दुआओं में, ठीक हो, ठीक है बाजी जी, नमाज पढ़ा करें आप भी जी, अपने भाई को, हमारे भाई को भी कहना है, ठीक है, वो भी नमाज पढ़ा करें, और नमाज के अंदर आपने उन लोगों के लिए जरूर दुआ करनी है, ठीक है, जो आप जैसे लोगों का ख्याल करते हैं, ठीक है जी भाई, हाँ जी, अल्लाह ताला कर फरमाए जी आपके हाल पर भी, आपकी तंगी को मजीद दूर करे, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं मुख्तरम नाजरीन कि आज एक और फैमिली के काम आए हैं, तो काफ़ी ये हकदार फैमिली थी, इनका एक छोटा सा बेटा है, इतने मजबूर हैं कि उसके बावजूद ये घर में काम करने के जाते थे, ये पिछले दिनों में आप लोगों को पता है काफ़ी सर्दी रही है, इसके बावजूद कहती मैं काम मजबूर होकर वहाँ जाती रही हूँ, जिसकी वजह से इनका बच्चा और ज़्यादा बीमार हो गया है, तो काफ़ी यानी इनके मुश्किल हाल चल रहे हैं, तो अल्लाह ताला इनके हाल पर रहम फरमाए जी। तो मुहतरम सामीन, हम आपके लोगों का भी शुक्र अदा करते हैं कि आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, तो मुकम्मल ज़रूर वाच किया करें, और इसको लाइक भी कर दिया करें, और अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें, अल्लाह ताला आपको भी जजाए खैर देगा, बहुत शुक्रगुजार होंगे हम लोग भी आपके। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, हंसते रहिए मुस्कराते रहिए, अल्लाह ताला आप सबको हंसता मुस्कराता रखे, आमीन सुम आमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।